ले बेटा गेट खोलो। अरे पापा आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, माँ के मरने के बाद तो मेरी बेटी बिल्कुल अकेली रह गई है। काश तुम्हारा भी कोई बहन भाई होता। बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बेटी अपने दिल की बात बाप से नहीं करेगी तो किससे कहेगी? क्या कहना चाहती हो बेटा? इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, आप सारा सारा दिन काम पर होते हैं। मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम घर पे अकेली रहती हो, लेकिन बेटा काम पे भी तो जाना मेरी मजबूरी है, उसके अलावा भी तो कोई चारा नहीं है। और एक जवान बेटी का घर पे अकेले रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। बाबा मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मेरा कहने का मतलब कुछ और है। अरे बेटा तुम क्या कहना चाहती हो? जो बात करनी है अपने बाप से खुल के कहो। तुम मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा हो। बाबा आप मेरे लिए एक माँ ले आए। क्या माँ? अरे बेटा ये क्या कह रही हो? बाबा मैं जानती हूँ कि हमारे हालात ऐसे नहीं है कि कोई खानदान में हमें रिश्ता दे, लेकिन लेकिन क्या बेटा? तुम जो बात कहना चाहती है खुल के कहो। अरे बेटी अपने दिल की बात भाप से नहीं करेगी तो किससे कहेगी? तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो बहादुर बेटा। हेलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब्बू कहाँ? अरे बेटा एक सवारी मिल गई है, मैं उसे छोड़ के आता हूँ। मगर खाना तो खाकर जाएं, आप सुबह भी घर से भूखे पेट चले गए थे। मेरी भूख से ज्यादा आपकी तालीम ज्यादा लाजमी है। सर मैं हवा चेक कर लूं, प्यार कुछ बबलिंग कर रहा है। हो गया टायर खराब हो गया है, साइड पर करके तसल्ली से चेक कर लो ना। ठीक है सर। सर मैं माजर चाहता हूँ, टायर पंचर हो गया है और मेरे पास स्पेयर टायर भी नहीं है। यार तुम अजीब आदमी हो, टैक्सी चलाते हो आपके पास स्पेयर टायर नहीं है? आपको पता है देर हो रही है, मैं पहले भी लेट हो चुका हूँ। सर क्या करूँ, कल भी एक टायर फट गया था, रोजाना कहाँ से लाऊं टायर? आपने रोड की हालत देखी है? सर माजर चाहता हूँ मैं। यार यहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, टैक्सी वगैरह? ए आप भाई आप ऐसा करें, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाए, पुल के उस तरफ आपको मेन रोड पे गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ से तो कोई नहीं मिलेगी, आगे से शायद आपको कोई गाड़ी मिल जाए। ये लो यार। नहीं सर ये रख लो। खैर कोई बात नहीं यार, आप टैक्सी ड्राइवर हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वकील साहब खैरियत तो है, आप यहाँ कैसे? मुसा मैं एक्चुअली जा रहा था तारीफ पे, तो कोर्ट जा रहा था टैक्सी पे बैठा, तो टैक्सी वाले का टायर पंचर हो गया, तो उसने बोला थोड़ा पुल के पार जाओ तो वहाँ से आपको इजीली गाड़ी मिल जाएगी। तो आए बैठे मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मुसा आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपने दोस्त सईद के पास चल रहा था, पहले आपको ड्रॉप करके फिर मैं चला जाऊंगा। ओके यार थैंक यू, यार थैंक यू। देखो साइमा मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाई कई दिनों से आप एक ही बात पे जिद क्यों कर रहे हैं? उसके घर में जवान बेटी भी है। वो शादीशुदा है तो तुम भी तो एक बच्ची की माँ हो। मेरा काम धंधा भी कुछ भी नहीं है, बेरोजगार हूँ। बस आप यही बोले ना कि आपके ऊपर बोझ हूँ। अरे बहन, बहन भी भाइयों पर कभी बोझ हुआ करते?
पगली कहेंगी। देखो सईद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सारा दिन वो अपने रोजगार बेटी के लिए फिक्रमंद रहता है। अगर तुम चली जाओगी तो उसे एक माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक जवान बेटी जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। थैंक यू बाबा। अरे थैंक यू किस बात का बेटा? हमारे घर के धूप अंधेरों में माँ जैसा चिराग रोशन करने के लिए। अरे बेटा ये सब कोई तो आपकी ख्वाहिश पे ही है दोनों चिराग रोशन हुए। और बेटा असल चिराग तो आप ही हो हमारा। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, इंशाल्लाह घर का काम काज में कर लिया करूँगे, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। सब बेटा आप क्या बनोगे? खुदा जाने। नहीं नहीं अम्मी, मुझे सिंगर बनने का शौक है। मैं एक बड़ी गुलुकारा बनूंगी मैडम मुझे हाँ की तरह, और मेरी बहन सबा आईटी एक्सपर्ट बनेगी इंशाल्लाह। अरे 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 सिंगर बनोगी? तो ये क्या कह रही हो? ये सिंगर बनोगी ये रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये खानदान क्या कहेगा? अरे सईद आप भी कमाल करते हैं, ये कोई बात हुई लोगों को और बिरादरी वगैरह को देखना छोड़ दें, आप अपनी बेटी की खुशी देख लें। इससे पहले किसी ने आपकी मदद या आपकी हेल्प की है? कोई मुश्किल टाइम में आपका किसी ने साथ दिया है? अरे इस बात को छोड़ें, आप अपनी बेटी को देखें। अच्छा अच्छा अब आप लोग मेरी वजह से परेशान ना हो, अपना मूड खराब ना करें। इतने अरसे बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं तो इन खुशियों को एंजॉय करें। अच्छा भाई ठीक है, बुराए नाम ही सही, जमहूरियत तो है ना, अब जहाँ वोट ज्यादा हो तो वहाँ बच्चा जो बुरा क्या कर सकता है। क्यों ना हो जाए आज इस बात पे कश्मीर की सैर। ये ठीक है, मैं गाड़ी का आयल पानी चेक करता हूँ, तो आप अपने कपड़े शोबे तैयार करें, निकलते हैं फिर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे आजी औरंगजेब साहब से मिलना है। सिलसिले में मेरी फैमिली मेरे साथ है तो हम यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं। ठीक है आप रुके मैं पूछ के आता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक का। बैठो तशरीफ लाते हो बेटा। बैठो सर। बैठो बेटा। आरियत खैर खैरियत है बेटा? कहाँ से तशरीफ लाए हो? मैं आया हूँ कोहला बरसाला से। जी जी। हमारा जिला भी मुजहराबाद ही है। जी जी। ये मेरे अपने फैमिली है, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये मेरी बेटी है सबा, ये कासिम है, और ये मेरी वाइफ है आशा। आप कैसी हो बेटा? ठीक हो? आप ठीक हो? आप सब ठीक हो बेटा? माशाल्लाह खूबसूरत लोकेशन हाजी साहब यहाँ की। माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है आपने यहाँ पे होटल बनाने में। जी कितना काम बाकी बेटा? काम अभी शुरू करने वाले हैं होटल का भी, तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते अल्लाह करेगा। बेटा कैसी हो? जी ठीक हूँ। ठीक हो ना? जी। और सुनाओ। दरअसल मेरी मम्मा का इंतकाल हो गया था, तो ये मेरी नई मम्मा है, एक हफ्ता पहले ही मेरे पापा के साथ शादी हुई है। ये तो अल्लाह पाक के फैसले हैं, अल्लाह पाक जो कुछ कर जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। हमने सब ने एक ना एक दिन अल्लाह पाक के पास जाना है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मेरे दोस्त हैं उमर जेब, ये उनके वालिद साहब हैं हाजी साहब, उन्होंने अभी इस होटल का काम शुरू किया। देखें अभी याद किया था, अभी आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। शुक्र अल्लाह पाक का। बैठे साहब, ये आपकी भाभी, एक हफ्ता पहले मेरी इनसे शादी हुई है। अच्छा माशाल्लाह, जीती रहें खुश रहें, मुबारक हो आप दोनों को। खैर मुबारक।
रहने दे शर्माया नहीं, ये हमारी रवायत है। रहने दे, क्या जरूरी इसके लिए अलग करने की। सईद भाई आप बैठे, गपशप करें, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, आप आए। ये औरंगजेब भाई थे। अच्छा, कब ये काम आपने अभी से स्टार्ट करना है? नहीं, अभी तो बर्फबारी का मौसम है, तो बाद में करेंगे। तकरीबन कितना अर्सा लगेगा? मार्च अप्रैल के बाद ही काम शुरू करेंगे। मार्च अप्रैल के बाद, चलो तब तक तो इंशाल्लाह मैं भी वापस आ जाऊंगा। नहीं, जो ये आइडिया लगाया है चेयर लिफ्ट वाला, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका, बड़ा पसंद आया। ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इवन के सब लोगों को पसंद आएगा। तो वैसे नाम क्या रखा है आपने? आरएम पैलेस। RM Palace. Oh, that's good name. वालेकुम सलाम मूसा, कैसे हो? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, वैसे भी इतवार बच्चों की छुट्टी है, तो मैं उनको ले आऊँगा। ठीक है, चलो खाना इकट्ठे ही खा लेंगे। ठीक है ठीक है।